वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि आप लोग हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा पाए। शुक्रिया। और वीडियो शुरू कर दे। हाय गाइस, आज हम आए हैं टाटा के शोरूम में, जहां हमारे सामने खड़ी है टाटा की ऑल न्यू हैचबैक, बहुत अल्टीमेट हैचबैक एल्ट्रॉस, जो कि है एग्जेड प्लस वेरिएंट, जो कि आपको ऑन रोड पड़ता है 10,11,000 के आसपास का। आज इस वीडियो में हम इसी की बात करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं इसकी की से, जहां हमारे को लॉक अनलॉक फॉलो मी हेडलैम्प्स, देखो हेडलैम्प जल गए, और टेलगेट ओपनिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अब इसके फ्रंट लुक से बात करते हैं, ये पियानो ब्लैक फिनिश थ्रो करी गई है थ्रू आउट द फ्रंट लुक्स। यहाँ पर इसमें आपको हेलोजन बल्ब का सेटअप देखने को मिल जाता है डुअल, और यहाँ पर आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है। यहाँ पर क्रोम का काम किया गया है, और ये है कुछ इसकी ग्रिल, जहाँ पर आपको टाटा का बहुत अल्टीमेट सा लोगो मिलता है, एल्ट्रॉस की ब्रांडिंग ऑफ कोर्स यहाँ पे तो नंबर प्लेट आएगी। ये वाला जो कलर है ग्रे कलर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस गाड़ी के साथ। यहाँ पर इसमें आपको लाइट का ऑप्शन दिया गया है, एक और लाइट, यानी ये फॉग लैम्प मान लो आप इसको एक तरीके से, बट फॉग लैम्प नहीं है, ये अलग ही इसमें सेटअप दिया गया है। ये है इसकी कुछ फ्रंट प्रोफाइल, जो कि लगती है बहुत ज़्यादा क्यूट इंटू 100, और इस गाड़ी को बना देती है मानो प्रीमियम हैचबैक्स। अब साइड प्रोफाइल पे आते हैं, तो यहाँ पर इसके आपको इसके एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, जिनका जो साइज़ है वो है, अरे साइज़ कहाँ है भाई तुम्हारा, 195x55R16, 16 इंच के इसमें आपको टायर देखने को मिलते हैं। पूरी गाड़ी ग्रे है, ब्लैक का यूज़ नहीं करा गया, ब्लैक प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया गया। यहाँ पर आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसे थोड़ा ऑड बनाते हैं। इसे अनलॉक करें तो ORVM से इसके अपने आप खुल जाते हैं। यहाँ पर आपको डोर हैंडल कलर बॉडी कलर मिलता है, रिक्वेस्ट सेंसर इसमें आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी पंच की तरह आपको ऐसे गेट खोलना पड़ता है। अब बात करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की, जो कि है बहुत ज़्यादा स्पोर्टी, बहुत ज़्यादा अच्छी i20 के मुकाबले। यहाँ iTurbo की बैजिंग, एल्ट्रॉस की बैजिंग, टाटा की बैजिंग, टॉप मॉडल है इसलिए इसमें डिफॉगर और वाइपर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको टेल लैम्प देखने को मिलता है छोटा सा। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है एक और दोनों साइड। यहाँ पर आपको टेल लैम्प पे पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है, यहाँ पर आपको लाइट देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर इसका आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है लाइक यहाँ। ये है कुछ इसका बम्पर, रियर बम्पर ही बॉडी कलर में आता है, ब्लैक नहीं करा गया है, रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं गाड़ी में, और यहाँ पर ऊपर भी लिखा हुआ है 5 स्टार्स सेफ्टी रेटिंग और इंडिया सेफेस्ट हैचबैक, क्योंकि ये इंडिया सेफेस्ट हैचबैक सच में है, झूठा नहीं क्लेम किया गया टाटा के द्वारा। यहाँ पर इसमें आपको देखने को मिल जाता है फ्यूल लिड, जो कि अंदर से खुलेगा, बाहर से ये हैरियर सफारी की तरह नहीं खुलेगा। ORVM टाटा में बहुत बड़े बड़े दिए जाते हैं, ये बात तो टाटा की माननी पड़ेगी। अब चलते हैं इसके अंदर, बहुत हैवी गेट है इसका, मतलब अच्छा खासा हैवी है इसका गेट। ये है कुछ इसका ऐसे 90 डिग्री खुलने वाला गेट, जहाँ पर आपको गेट पर देखने को मिल जाते हैं ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड करने का ऑप्शन, यहाँ से चारों विंडो के कंट्रोल, और ये लॉक एंड लॉक करने का विंडोज़ को। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर देखने को मिलता है, और एक और थोड़ी सी स्पेस मिलती है, यहाँ भी आपको स्पेस मिलती है, यहाँ पर आपको हैंडल मिलता है। ये है टाटा की तरफ से दिया गया स्टेयरिंग, जो कि टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक नहीं होता, सिर्फ टिल्ट होता है, हाँ टिल्ट होता है। और इसके बाद यहाँ पर आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है क्रूज़ कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले, जो ये इसका कुछ हॉर्न, यहाँ पर इसमें आपको देखने को मिल जाती है इसके लाइट्स के सेटअप। यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, जो कि कुछ ऐसा है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसका AC भी ऑन हो गया है, AC ऑफ कर देते हैं इसको। यहाँ पर आपको छोटा सा एम्बिएंट लाइटिंग का सेटअप मिलता है, देखिए ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये है इसका इंस्ट्रूमेंट इंफोटेनमेंट सिस्टम, यहाँ से आप हज़ार लैंप ऑन कर सकते हैं। ये एक अलग मटेरियल यूज़ करा गया है टाटा के द्वारा, यहाँ पर वो वाला जो AC है वो अलग ट्रिम में आता है, ये वाला AC एक अलग ट्रिम में आता है, मतलब इतना बड़ा नहीं, प्यारा लग रहा है ये वाला ट्रिम भी। और ये है कुछ इसके फ्रंट डैशबोर्ड की लुक्स, जो कि है फ्लैट, यहाँ पर आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिरर मिलता है, यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलता मिरर, यहाँ पर आपको मिरर देखने को मिलता है। ये कुछ स्पेस खाली दी गई है, यहाँ पे माइक का ऑप्शन दिया गया है, ये LED वाइट लाइट है। और ये है कुछ इसका गियर बॉक्स, यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिलती है, हैंड ब्रेक देखने को मिलती है, और यहाँ पर आपको कप होल्डर देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको पावर सॉकेट देखने को मिलता है। बिल्कुल टू कॉपी पंच में इसी का काम किया गया है, इसमें आपको एक स्मार्ट की भी देखने को मिलती है, मैं आपको बताना भूल गया था, इसको बंद करते हैं। यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस देखने को मिल जाती है, और इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो क्रोम में हैं अंदर से, बाहर से वो ब्लैक में है। अब चलते हैं इसके पीछे की तरफ, तो आगे वाली सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं करी थी, थोड़ी सी पीछे कर ली थी, अगर मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करता तो यार काफ़ी सही आती, मतलब ठीक है, लेगरूम अच्छा है। और ये है कुछ इसका हेडरूम, जो कि मैसिव नहीं है, मतलब ठीक है, पंच जैसा ही लगा मेरे को, कुछ इतना खास डिफरेंस नहीं है। ये है कुछ इसके फ्रंट प्रोफाइल, जो कि बहुत ज़्यादा
प्यारा लग रहा है। यहाँ पर आपको हैंड रेस्ट देखने को मिलती है, हैंड रेस्ट में कप होल्डर मिसिंग है, सीट्स आर कंफर्टेबल, मतलब सीट्स कंफर्टेबल है। इसमें डुअल टोन, इसमें आपको गेट देखने को मिलता है और इसका इंटीरियर भी डुअल टोन मिलता है, सिल्वर और ब्लैक का यूज़ किया गया है। स्पीकर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं आगे वाले गेट में भी, पीछे वाले गेट में भी और नीचे की तरफ भी। तो स्पीकर्स के मामले में, साउंड सिस्टम के मामले में टाटा ने बहुत अच्छा काम किया है। अब बात करते हैं इसके टेल गेट की, तो इसका बूट जो है काफ़ी सही है, मतलब काफ़ी बड़ा बूट है। पार्सल ड्रेस में आप देखने को मिल जाती है। ये है भाई गाड़ी आगे से कैसी लगती है और ये है पीछे से कैसी लगती है ये गाड़ी। अब चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे, तो साइड प्रोफाइल देख सकते हैं आप कैसी लगती है, मतलब हैचबैक्स के मामले में काफ़ी सही है और काफ़ी प्रीमियम लगती है। i20 और बलेनो इसके सीधे सीधे जो राइवल्स हैं ये दोनों हैं, i20 और बलेनो, उनसे तो यार फार बेटर है। मतलब मेरे को पर्सनली काफ़ी सही लगी है गाड़ी, और इसमें डुअल स्प्रिंकलर आते होंगे, डुअल वॉशर्स आते होंगे, हाँ डुअल आते हैं। और इसमें शार्क फिन एंटीना नहीं देखने को मिलता, आपको नॉर्मल एंटीना मिलता है देखने को। इसमें प्लास्टिक का काम किया गया है जो कि अगर पियानो ब्लैक किया जाता तो काफ़ी सही लगता। अगेन एल्ट्रॉस ने कहीं कॉस्ट कटिंग करी गई है टाटा के थ्रू, बट फिर भी सही है क्योंकि ये चीज़ भी आपको हार्ड प्लास्टिक मिल सकती थी, ये कंपनी ने सॉफ्ट मतलब इसी बॉडी कलर में दे दी और प्यारी लग रही है। मतलब एल्ट्रॉस वर्थ है, वैल्यू फॉर मनी है। आपको कैसी लगी है एल्ट्रॉस मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। और एल्ट्रॉस बहुत अच्छी गाड़ी लगी मेरे को, इंडिया सेफेस्ट हैचबैक्स में से एक है। तो जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले टाटा, बाय बाय। सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, लाइक करना इस वीडियो को, बाय बाय।